तो आज हम बनाने वाला हाइड्रोजन गैस। गाइस मैंने 12th में पढ़ा था कि जब हम कास्टिक सोडा और एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम मेटल को जैसे मिक्स करते ना, ठीक है, तो उसके अंदर से प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और गाइस हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है। जैसे उसके अंदर आग लगती है ना, ठीक है, तो एकदम से वो विस्फोट हो जाती है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ को आप कहीं पर भी ट्राई मत करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है, इससे आग लगने का खतरा भी बना रहता है, ठीक है। तो चलिए गाइस बिना कुछ देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हाइड्रोजन गैस किस प्रकार बनाई जाती है। और जो गाइस हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो बलून में भरी रहती है, ठीक है, ताकि हमारे जो बलून है ना, वो ऊपर आसमान उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बलून होते हैं ना, वो आसमान उड़ जाते हैं। तो उसके अंदर क्या मतलब रीज़न क्या होता है उसके अंदर, कि उसके अंदर या तो हीलियम गैस होती है या हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं कि हमारी जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो किस प्रकार बनाई जाती है, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हाइड्रोजन गैस बनाने के सिंपल सा चाहिए होगा, सबसे पहले एक वाटर, ठीक है, इतना सा हमने वाटर लिया है। और फिर लेना होगा आपको कास्टिक सोडा या ड्रेन क्लीनर, ये आपको आसानी से किराना स्टोर पर नॉर्मली मिल जाएगा, ठीक है। और फिर लेना होगा आपको एक एल्यूमिनियम फॉइल या एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। और इन चीज़ों की मदद से हम बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम हाइड्रोजन गैस किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो अब इनको मिक्स करते हैं हम सबसे पहले। तो गाइस आपको हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए सिंपल सा जो होगा खाली बोतल, ठीक है, या तो आप कोई भी खाली बीकर ले सकते हो, पर ध्यान रखना आपको कि प्लास्टिक की बोतल आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं सिंपल सा। आई थिंक गाइस इतना काफ़ी होगा, थोड़ा सा वो डाल देते हैं। तो भाई देखिए हमने इतना सा वाटर डाल दिया, ठीक है, और अब डालते थे इसके अंदर थोड़ा सा कास्टिक सोडा, ठीक है। एंड गाइस जो कास्टिक सोडा है ना, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसके अंदर जैसे हम एल्यूमिनियम फॉइल डालेंगे, ठीक है, और उसके मतलब एल्यूमिनियम फॉइल के साथ ये रिएक्ट करता है, पानी के साथ ऑटोमेटिक रिएक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो आई थिंक गाइस कास्टिक सोडा भी इतना काफ़ी होगा, ठीक है। और अब डाल देते हम इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। तो ये रही हमारी एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके कुछ एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस एल्यूमिनियम को कुछ इस तरीके से हम तोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, ठीक है, और इस तरीके से कर करके दो तीन रख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये आसानी से इसके अंदर चले जाए। ठीक है, तो अब डालते हैं इसके अंदर हम एल्यूमिनियम फॉइल को, ठीक है। और जैसे इसके अंदर हम एल्यूमिनियम फॉइल डालेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर से प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो 1, 2 and 3, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर हम बलून लगा देते हैं। ये लगा दिया गाइस इसके अंदर हमने बलून, ठीक है। और अभी इसके अंदर जैसे धीरे धीरे रिएक्शन होगी ना, ये तो हमारा बलून ये धीरे धीरे भरता जाएगा हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। आई थिंक गाइस इसके अंदर से कितनी देर में रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। गाइस आप देख सकते हो इसके अंदर से रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और हमारा बलून की देखिए इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस भरना स्टार्ट हो गई इसके अंदर, ठीक है। चलिए वेट करते हैं कि हमारा बलून कितनी देर में फिल होता है पूरा। गाइस यार आप देख सकते हो हमारा जो बलून है ना, कितना बड़ा हो चुका है, इतना सा बलून था इतना बड़ा हो चुका है, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल होने लगी, ठीक है। और देखिए हमारा बलून ऊपर उड़ने लग गया है, ठीक है। और अभी से इसके अंदर रिएक्शन हो रही है और नीचे ऊपर कुछ ब्राउनिश कलर का हो गया और नीचे साफ साफ पानी दिखने लग गया है, ठीक है। आई थिंक गाइस इसको थोड़ा सा और बड़ा होने देते हैं, और ये रिएक्शन है ना गाइस देखो काफ़ी तेज हो चुकी है अभी से। I
आई थिंक गाइस इतना काफ़ी होगा, ठीक है। और हमारा जो बलून है ना, ठीक है, परफेक्टली फूल चुका है, इतना बड़ा हो चुका है। अगर इसके अंदर हम ज़्यादा हाइड्रोजन गैस भरेंगे ना, तो ये संभावना है, काफ़ी संभावना है ये फूट भी सकता है हमारा बलून, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से अलग कर देते, ठीक है। गाइस देखिए इसके अंदर अभी से रिएक्शन हो ही रही है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, ठीक है। और ये है गाइस हमारा हाइड्रोजन बलून, ठीक है, देख सकते हो गाइस, ठीक है। इसको मैं जैसे छोड़ूंगा ना, ठीक है, तो उड़ने लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए है ना गाइस, इसकी स्पीड देखना आप, है ना, 1, 2 and 3 ये गया गाइस, देख सकते हो आप, वो जा रहा है हमारा बलून, ऊपर छूट गया, ठीक है, वो गया गाइस आसमान में, वो गया गाइस, आप देख सकते हो वो उधर चला गया, ठीक है। ठीक है, तो गाइस देखिए इस तरीके से हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। सो गाइस देखिए एक और हमारे पास फिर से एक और बलून है, ठीक है, तो अब इसको छोड़ेंगे, 1 2 तो गाइस आपने इस वीडियो से जरूर ना कुछ तो सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना गाइस, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो गाइस हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।